डायमेंशन नोटेशन को समझना इंतहाई ज़रूरी है रिलेटिविटी में, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं, जो वेरिएबल्स होती हैं, वो कम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसी वजह से अगर पोजीशन को हम कंसिडर कर लें या मोमेंटम को कर लें, एनर्जी को कर लें, तो इसी वजह से वो एक कम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं और एक डिफरेंट नोटेशन से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कंसिडर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एस है, ये एस प्राइम है, वी वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ये एक इवेंट हो रहा है। तो ये जो इवेंट अकॉर्डिंग टू दिस है वो सी टी एक्स वाई जी है। सी टी भी डिस्टेंस है, एस इज इक्वल टू वी टी वाली जो फॉर्म है। सिमिलरली सी टी प्राइम एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जी प्राइम, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर। Here we introduce some new symbols for position. Here we introduce some new symbols for position, such as, देखिए मैं इस तरह कंसिडर कर लेता हूं कि सी टी जो है इसको मैं एक्स नॉट का नाम दे देता हूं, और ये जो एक्स है इसको एक्स वन का नाम दे देता हूं, वाई जो है ये एक्स टू है, और जी जो है ये एक्स थ्री है। याद रखिएगा 0, 1, 2, 3 दीज आर नॉट पावर्स, ये पावर्स नहीं है, ये जस्ट नोटेशंस है। अच्छा, तो मतलब इसका यू हुआ कि सी टी एक्स वाई जी ये मेरे पास बराबर होगा एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री, और फर्दर इसको इस अंदाज में मैं लिख सकता हूं 0, 1, 2, 3 इसको एक्स लिख देता हूं और इधर म्यू कर देता हूं, और म्यू की जो वैल्यूज है वो 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है। इसको डमी एंडेसिस भी कहते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज इसके हो सकते हैं। और अनदर केस, इसको एक वेक्टर का नाम, जब ये जो एंडेस है ये सुपरस्क्रिप्ट में होता है तो फिर इसको कंट्रावेरिएंट वेक्टर कहते हैं, कंट्रावेरिएंट वेक्टर। कंट्रावेरिएंट वेक्टर को हमने आगे जो लेक्चर है, जो टेंसर की जो लेक्चर है, इसको अगर हमने आगे प्रेजेंट करना है तो उसमें हमने डिटेल से इसको समझना है कि कंट्रावेरिएंट क्या है और कोवेरिएंट क्या है, तो आगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सिर्फ आप ये समझ लीजिए यहाँ से कि एक्स म्यू है और ये जो म्यू एंडिसेस है ये सुपरस्क्रिप्ट में होगा तो फिर ये इसको कंट्रावेरिएंट वेक्टर। अच्छा, ये बात तो हो गई एक्स इस फ्रेम की, लेकिन इस फ्रेम में अगर हम देखें तो इसके नेगेटिव एक्सिस भी हो सकते हैं, मतलब माइनस एक्स भी है, इसके माइनस वाई है और माइनस जी भी है। तो अगर ये केस है तो फिर हम नेगेटिव एक्सिस को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो नेगेटिव एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूं सी टी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी, तो इसके लिए ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। कैसे? ये सी टी, ये तो खैर हम ये जो सबस्क्रिप्ट में हम इस तरह लिखते हैं ये दोनों बराबर होती है, सी टी सी टी इसमें फर्क नहीं है, मतलब एक्स नॉट जो ऊपर है और नीचे है ये दोनों बराबर होती है। लेकिन माइनस एक्स को मैं एक्स वन कह देता हूं और माइनस वाई को एक्स टू और माइनस जी को एक्स थ्री, तो इसका तो मतलब कुछ यू हुआ कि एक्स म्यू, अब ये जो एंडिस है ये सबस्क्रिप्ट में है तो इसको हम कह देंगे कोवेरिएंट वेक्टर। लेकिन आगे इसको हमने एक्सप्लेन करना है कि कंट्रावेरिएंट क्या है, कोवेरिएंट क्या है, ये एक एक पूरा लेक्चर हमने इस पे देना है
कंट्रावेरियंट एंड कोवेरियंट। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं एक्स म्यू एंड एक्स म्यू, दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस एस ऑब्जर्वर। लेकिन अगर हम मैं इसके लिए यूज कर लूं तो फिर इसके लिए मेरे पास ये जो कंपैक्ट फॉर्म है वो किस तरह आ जाएगा। देखिए, फॉर अगर मैं कुछ इस तरह लिख दूं कि फॉर एस प्राइम फ्रेम, इसके लिए मैं किस तरह लिख दूंगा। देखिए, सिंपल सी बात है, ये मैं लिखूंगा कि सी टी प्राइम है, एक्स प्राइम है, वाई प्राइम है, जेड प्राइम है। तो इसके रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होगी कि एक्स नॉट प्राइम, एक्स वन प्राइम, एक्स टू प्राइम, एक्स थ्री प्राइम, और फाइनल ये एक्स म्यू प्राइम आ जाएगा। और ये जो नेगेटिव एक्सिस है, इसकी जो नेगेटिव एक्सिस है, ये सी टी प्राइम माइनस एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम माइनस जी प्राइम, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह है, एक्स नॉट प्राइम, एक्स वन प्राइम, एक्स टू प्राइम, एक्स थ्री प्राइम, विच इज इक्वल टू एक्स म्यू प्राइम। तो ये डिफरेंट नोटेशन है और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको फोर डायमेंशन नोटेशन फॉर अ पोजिशन हम कह सकते हैं।